अभिषेक करे। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंथनाथ अरहनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल विहार जम्बू जी भस्नापुर से शाश्वती अयोध्या की ओर चल रहा है। आज हम लोग तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से 6 किलोमीटर पहले प्रकाश वुलन फैक्ट्री में यहाँ पर पूज्य माता जी का रात्रि प्रभात रहा और यहीं पर हम लोग अब प्रातः कालीन अभिषेक प्रारंभ करते हैं और अभी अभिषेक के पश्चात पूज्य माता जी का प्रवचन होगा और 7 बजे के बाद विहार होकर के पूज्य माता जी का मंगल प्रवेश 9 बजे आज तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में होने जा रहा है। अब से एक प्रारंभ करते हैं। श्रीमन्नम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरवा कुरवंत ते मंगलम कुरवंत मे मंगलम। श्रेय पद्म विकास वाधरमणि सियादवाद रक्षामणि संसारो रग दर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहरा भय भय सदसावधाना खंडित पुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधार इंदिराणाम यात्रा प्रतिसादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सरोवर सात वादन मधोत्कर मनोज समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदावरा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवंतु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। नल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करू मैं कल्याण निर्भर निजन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करू नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फुलार्की कही धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ती स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष अतुल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मनोवचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके दशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार्की के डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ती स्वाहा। इच्छुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर रख चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिद कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फुलार्की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए
गृत तृप्तिकारी संताप दूर करत से कांति देता घीचे दिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दी घावी अचल शक्त बढ़े सीते ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम जाम जाम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तन लुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध भाव कुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम निरुपामी ते स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन सुमाक्षित प्राप्त कर लूं ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम निरुपामी ते स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या अच्छी रोद दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके ते लोग मंगलमयी सौख्य पाऊं ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम निरुपामी ते स्वाहा सर्वौषधि का कलश ए लाल अवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वस मिलाय करके सर्व औषधि मिलित सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम त्रिभुवन पते सर्व औषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम निरुपामी ते स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य अनुचित गुण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इनके सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रूम नौम राशन मोहरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम निरुपामी ते स्वाहा चंदन विलेपन ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम रीम सुमनः सुख प्रदाय पुष्प वृष्टि करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महाराधिकम प्रतिवरोतारयामि इति मंगल आरती वर्णनम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम रीम श्री जिनेन्द्रायन महा चंदन विलेपन पुष्प वृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुझे नित करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेचयामि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम निरुपामी ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोषकर्म राय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग उपसर्प प्रणाशनाय सर्व प्रकट छत्रपद विनाशाय जब छाम राम प्रणाशाय ओम राम रीम रूम नौम राम सौद नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन पुत्र वधु रीता जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर
विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री जिंदा जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बोजी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाटिल सब देवपुरम मांगीतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्री मती सुजाता निरंजन साहब पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली के नाट प्लेस सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंहपुरा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुपचंद सुयस जैन श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री रिक्षा विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद निधु सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रम सरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दसना पिपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाइना माई पुणिया चारवी वीर अपाव परिवार मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणव कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्यलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आशाशी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी सपरिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन पुत्र बधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र बधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार रुचित कुमार सपरवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चुड़ीवाल परिवार स्वास्थ्यलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार से श्री सुयस जैन टिकैत नगर नेहा जैन टिकैत नगर निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम
सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंधर कुशकामलादिभयम सर्वनिग्धादि बंदरभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम सर्वभूत पिशाच वेंट्रोडाक्टि साकिन्यादिभयम सर्वधनानिभयम सर्वव्यापारहानिभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वशत्रुभयम सर्वशोकभयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वआतुरोद्ध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायसः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्रहभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीरात वीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमा ध्यानमादे जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बुदीप स्नापूर्ति क्षेत्र विसंबत 2549 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ सोमवासरे आष्टानिक पर्व शुभवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्राव सौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहाद्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले अनकुले कदली घातमणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे धारे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय कशान कराय सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु ह्रीम नम परम पवित्र सुगंधि दिलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरी शांतारम कर चतुर्विसंग श्री संगपति सुभाष चंद जैन श्रीमती सुषमा जैन श्री सुपचंद जैन श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयश जैन श्रीमती नेहा जैन अर्पण जैन भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु महामारी निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम मित्रलाभम चा गुरु गुरु वसत स्वाहा। जबले शांति कुंद रहे नाथ भगवान की नंदीश्वर के बावन चैत्यालयों की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की गई धौल मंगल कांड भाव खुले जिन ग्रह जिन नाथ पाए मुझे ओम रीम श्री जिने दाय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरु ले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सु लेकर नाच त्राल मदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निध भोरुक मेटो याते मैं पूजू प्रभाय। ओम रीम 108 फीट के विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान ऋषभ देव ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरण अरविंद में एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमत्नाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्पारी तुमो बहुतारी करुणाधारी याते धारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतनक्रेशम भ्रतचक्रेशम चक्रेशम हनियल चक्रेशम हे गुणदेशम दयामदेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बुदीप सर्व उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसुजदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊ मोदत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महातवीर सनवर नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सनवर दायक हो। ओम ह्रीम जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में
जम्बू जी भस्नापुर में, कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। ओम रीम भरत बाहुबली आदि भगवान शब्दों के 101 पुत्र उसी भव से मोक्ष गए, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर रजत सागर श्रियान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकानंद सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख, ओम रीम गणनी प्रमुख जी ज्ञानमती माता जी सदंग के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता, वंदामी माता। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा, सभी को सूचना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित जम्बू जी भस्नापुर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए मंगल विहार हुआ है। हम सभी भक्तों के मन के अंदर यही भावना है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जब यहाँ से मंगल विहार करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर चल रही है, तो ऐसे ही गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में अयोध्या का सुंदर विकास, सुंदर निर्माण, सुंदर पंच कल्याण आदि कार्यक्रमों में पूरा दिगंबर जैन समाज तन बंधन से सम्मिलित होकर के सहभागी बन करके और इसके अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करेंगे, स्वयं तन मन धन से समर्पित होकर के अयोध्या के विकास में अपना नाम अंकित कराने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी को लगभग 1.25 महीने का समय अयोध्या पहुँचने में लगने वाला है। आज हम सब लोग तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से 6.5 किलोमीटर पहले प्रकाश वुलन फैक्ट्री में ठहरे हुए हैं और यहाँ से पूज्य माता जी का अभी 7 बजे के बाद मंगल विहार होगा। 9 बजे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में वहाँ पर मंगल प्रवेश होगा। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय और पूरा महावीर विद्यालय मुरादाबाद परिवार पूज्य माता जी के स्वागत की तैयारियां कर रहा है। तो सभी बंधुओं को जिन्हें भी विश्वविद्यालय आना हो, पूज्य माता जी का आज 7 तारीख एवं 8 तारीख का प्रवास विश्वविद्यालय में रहेगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 ॐ ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम अब आप व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राय नमः। ये आज का मंत्र है और आज पानी भात खाने का विधान और 1 करोड़ उपवास का फल, ये ऐसे पर्व की महिमा। आज है कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी। अब आगे नवनिधि मंत्र बोलेंगे। नवनिधि व्रत का मंत्र, ओम ह्रीं अरहम सप्तम चक्रवर्ती पद प्राप्त। ओम ह्रीं अरहम सप्तम चक्रवर्ती पद प्राप्त। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। नवग्रह शांति व्रत का मंत्र, ओम ह्रीं अरहम राहु ग्रह निवारक।
ओम ह्रीम राहु ग्रह अरिष्ट निवारक श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ऋषि चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः ओम ऋषि चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः ओम ऋषि शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ऋषि शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ऋषि वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ऋषि वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः भव्यात्माओं, नंदीश्वर महापर्व आप हमेशा सुनते आए हैं। जैन शासन में कुछ पर्व अनादि हैं, महीने अनादि हैं, तिथियां अनादि हैं, ध्यान में रखें। यहाँ की इस मध्यलोक की तिथि के अनुसार ही, यहाँ के अनुसार ही स्वर्ग में देवगण, चारों प्रकार के देवगण यहाँ की तिथि के अनुसार ही तिथियों को मनाते हैं और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अखंड पूजा करते हैं। इसीलिए षटखंडागम ग्रंथ में भी आया है, धौला टीका में, कि ये तिथियाँ अनादि हैं, पर्व अनादि हैं। नंदीश्वर पर्व, अष्टानिक पर्व, सोलह कारण पर्व, दशलक्षण पर्व और रत्नत्रय पर्व, ऐसे कुछ पर्व अनादि हैं। महीने में आने वाले चार पर्व, दो अष्टमी, दो चतुर्दशी, ये भी अनादि हैं, आप ध्यान में रखें। भव्यात्माओं, नंदीश्वर द्वीप में जो आठवां द्वीप है, मनुष्य तो जा नहीं सकते, देवगण पूजा करते हैं, तो पूजा का क्रम जो अनादिकालीन बना हुआ है, जो कि महावीर की वाणी से परंपरागत प्राप्त श्री यति वृषभ आचार्य को, और जिन्होंने तिलोय पंडित में स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसा एक क्रम मैं आपको सुनाती हूँ, आप ध्यान में देंगे। अष्टानिक में सबसे पहले अष्टमी को, कार्तिक शुक्ला अष्टमी को देवगण जो वहाँ पहुँचते हैं, चारों प्रकार के देवगण, देवों के चार भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योति और कल्पवासी, चार भेद हैं। देवा चतुर्निकाया आप तत्वाशुद्ध में पढ़ते हैं, देवों के चार भेद हैं। उसमें कल्पवासी देव जो प्रथम सर्ग से लेकर सोलह सर्ग तक के देव, ऊपर के नवग्रेवे के, नवनदिस के अहमिंद्र होते हैं और उनका गमनागमन वर्ज है, वो गमनागमन नहीं करते, वहीं से दर्शन बंधन पूजन परोक्ष में ही करते हैं, अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य अवधि ज्ञान आदि से अपरोक्ष में ही उपासना भक्ति करते हैं। प्रत्यक्ष में सोलह सर्ग तक के देवों का ही गमनागमन है, तो पहले सर्ग से लेकर सोलह सर्ग तक के देवगण, इंद्रगण, बारह प्रकार के इंद्र, कल मैंने सुनाया था आपको, चौदह भेद किए थे, ऐसे इंद्रगण असंख्य देव परिवार को साथ में लेकर के और सचिव इंद्राणी आदि सब मिल करके वहाँ पहुँचते हैं। तो पूर्व दिशा में जो तेरह जिन मंदिर हैं, पूर्व दिशा में नंदीश्वर द्वीप में पूर्व दिशा के तेरह जिन मंदिरों में अखंड पूजा जो चल रही है, तो छः घंटे पूर्व दिशा में, छः घंटे कल्पवासी देव पूजा करते हैं, और दक्षिण दिशा में उसी समय भवनवासी देव, पश्चिम दिशा में व्यंतर देव और उत्तर दिशा में ज्योतिषी देव, सूर्य चंद्रमा आदि विमान जो आपको दिख रहे हैं, हमें और आपको दिख रहे हैं, ये लाखों लाखों 32 35 लाख मील की ऊंचाई पर हैं। इनमें रहने वाले जो देवगण हैं, वो देवगण अपनी विक्रिया से शरीर बना करके पहुँचते हैं, मूल शरीर से नहीं जाते हैं, ध्यान में रखें। और इन ज्योतिषी देवों में भी सभी में बीचों बीच में जिन मंदिर हैं, वहाँ अपने मंदिरों की तो पूजा करते ही हैं, वहाँ भी पहुँच जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में। तो इस प्रकार से छः घंटे तक लगातार अखंड पूजा का एक क्रम है, बाद में छः घंटे क्रम बदलता है, तो कल्पवासी देव दक्षिण में जाते हैं, भवनवासी देव पश्चिम में, व्यंतर देव उत्तर में और
ज्योतिर्वासी देव पूरब में आ जाते हैं। पुनः 6 घंटे वहाँ दिन और रात का विभाग नहीं ध्यान रखें, वहाँ दिन ही दिन है, रात्रि होती ही नहीं। वहाँ सूर्य चंद्रमा जहाँ की तहाँ स्थिर होने से दिन और रात का विभाग नहीं है। दिन और रात का विभाग 2.5 द्वीप तक ही है। सूर्य चंद्रमा जो है 2.5 द्वीप तक ही भ्रमण करते हैं, इसलिए 2.5 द्वीप तक ही नृलोके सूत्र आया है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके। मनुष्य लोग यानी 2.5 द्वीप तक ही सूर्य चंद्रमा आदि के गमनागमन होने से दिन रात का विभाग है, आगे दिन रात का विभाग नहीं है। और इस प्रकार से 6 घंटे तक ये क्रम है, पश्चात 6 घंटे क्रम बदल जाता है। तो अभ्यंतर देव पूर्व दिशा में, पश्चिम में ज्योतिषी देव, उत्तर में कल्पवासी देव और भवनवासी देव, ऐसा क्रम बदलता रहता है। तो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 6-6 घंटे, ऐसे 24 घंटे अहोरात्र में 24 घंटे, यही के हिसाब से मध्यलोक के हिसाब से, मध्यलोक के क्रम से वहाँ दिन रात का विभाग होने से, यही के क्रम से वहाँ पर बराबर अखंड पूजा चल रही है और पूर्णिमा तक कल तक बराबर अखंड पूजा चलेगी। ऐसी अखंड पूजा नंदीश्वर द्वीप में बराबर तीनों आषाढ़ी पर्व में होती है। यह है कार्तिक का, आगे आने वाला फाल्गुन और आषाढ़, तीनों आष्टानिक पर्व में बराबर अखंड पूजा वहाँ 8 दिन तक चलती है। और यहाँ भी अपने मध्यलोक में भव्यगण श्रावक श्राविकाएँ मिलकर के, कहीं सिद्ध चक्र विधान के आयोजन चल रहे हैं, कहीं इंद्रध्वज विधान के आयोजन चल रहे हैं, कहीं 13 दिव्य विधान के आयोजन चल रहे हैं, कहीं नंदीश्वर दिव्य विधान चल रहा है, बराबर विधान अनुष्ठान चलते रहते हैं। अभी हसनापुर में जमुदी बिस्तर पर भी दिल्ली से आए महानुभाव आनंद प्रकाश जी आज सपरिवार शिक्षक विधान कर रहे हैं। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में भी शिक्षक विधान चल रहा है, अनेकों जगह शिक्षक विधान, मुख्य रूप से शिक्षक विधान करने की परंपरा चली आ रही है। और 13 दिव्य विधान, इंद्रध्वज विधान, नंदीश्वर विधान आदि भी करते हैं। नंदीश्वर विधान भी है, आप लोग नंदीश्वर विधान भी पूजन करें, विधान करें, पूजन तो नित्य करते ही हैं। तो इस प्रकार से ये पूजा का क्रम मैंने बताया, आप ध्यान में रखें। देवगण जो पुण्य का संचय करते हैं वो मनुष्य लोक में आकर के, और मनुष्य लोक में वहाँ से च्युत होकर देव पर्याय पूर्ण करके, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और दीक्षा आदि लेकर के अपनी आत्मा का, आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करके, समय ज्ञान समय चारित्र के बल पर अपनी आत्मा को चतुर्गति के दुखों से, 84 लाख योनियों के दुखों से छुटा कर और अनंत परमानंद सुख स्वरूप ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। ऐसे असंख्यातों जीव, अनंतों जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं और असंख्यातों अनंतों जीव आगे बनाते रहेंगे। ये परंपरा अनादि है, अनंत काल तक चलती रहती है। सृष्टि अनादि है, जैन धर्म के अनुसार ये संसार की परंपरा अनादि है, मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा अनादि है। और 4 गतियाँ अनादि हैं, ध्यान रखें, गति 4 हैं, नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति। जो व्यसनों में प्रवृत्ति करते हैं, हिंसा झूठ चोरी आदि में, जुआ खेलना, चोरी करना, शिकार खेलना, मांसाहार करना आदि करते हैं, ऐसे जीव नरकों में जाते हैं। और जो मायाचारी आदि परिणाम करते हैं, कुछ पापाचार आदि करते हैं, त्रियन चोनी को प्राप्त कर लेते हैं, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय तुच्छ योनियों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु कायिक में, कभी 2 इंद्रिय डट चिवटी वगैरह में, ऐसी तुच्छ योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। मध्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, अनादि काल से हम और आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसी पर्याय नहीं। श्री पद्मनंदी आचार्य ने कहा है, इंद्रत्वम च निगोदताम च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चिरम यदखिलं प्राप्ता मया अनंतसः तन्या पूर्वमिहास्ति किंचिदप्ये हित्वा विकल्पावलिं
सम्यक दर्शन बोध व्रत पद्मी ताम देव को नाम करूँ। आज बचपन की रटी हुई काव्य, बचपन का रटा हुआ काव्य पद्मावती पंचमशत का स्वाध्याय का काव्य आज तक मुझे याद है और प्रतिदिन मैं पढ़ती रहती हूँ। हे भगवान, भक्त कहते हैं, हे भगवान इंद्रत्वम च, मैंने न जाने कितने बार इंद्र पर्याय पाई। इंद्र पर्याय से ध्यान रखे आप, स्वधर्म इंद्र नहीं हुए, दक्षिणेंद्र नहीं हुए, वो इंद्र एक भावतारी होते हैं, नियम से मोक्षगामी होते हैं। लेकिन भवनवासी देव के इंद्र, वेदर देव में इंद्र, ज्योतिर्वासी देव में इंद्र आदि हो गए, तो इंद्र आदि पर्याय न जाने कितने बार पाई। और निगोदताम च, और सबसे निम्न पर्याय है निगोद, एक इंद्रिय पर्याय, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, ऐसी निगोद पर्याय को भी अनंतों बार पाई। और उसके बीच में दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय आदि पर्यायों में, चारों गतियों में अनंत अनंत बार परिभ्रमण करते हुए हमारा अनंत काल निकल गया। हे भगवान, अब जो है आपके सामने हम प्रार्थना करते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की पूर्णता हो, उसको मुझे प्राप्त हो, उसी की पूर्णता कीजिए जिससे मेरी आत्मा सिद्ध परमात्मा बने और हम संसार के चतुर्थी के दुखों से छुटाकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। इसी भावना के साथ आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज का ये मंगल दिवस कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी, और जो साधु वर्षा योग का समापन करते हैं दीपावली के दिन, आप ध्यान में रखें तो कार्तिक शुक्ला पंचमी तक एक स्थान में रहने का नियम है, उसके बाद वो बराबर विहार कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा वहाँ से हस्तापुर से अष्टमी को विहार हुआ है, और ये विहार मंगल विहार शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर हो रहा है। भगवान शबदेव के श्री चरणों के अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि, अनंत अनंत मोक्षगामी महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या की ओर विहार हमारा, हमारे जीवन में, हमारे संघ के लिए और सभी के लिए मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ भगवान शबदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हाँ, और हमारे जो यहाँ के फैक्ट्री के हमारे कार्यकर्ता, इनके लिए, भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और मुंबई से पधारे हमारे रोशन जी, हमारे अभी जी अग्रवाल के लिए आशीर्वाद, उनके परिवार के लिए आशीर्वाद, और वो दिन दुनी रात चौगनी धर्म की उन्नति करें और हमेशा अपने जीवन को व्यसन मुक्त जीवन बनाते हुए अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करें और अपने जीवन को धर्ममय बनावे, यही प्रेरणा। और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अदीप जी की फैक्ट्री के अंदर पूज्य माता जी का रात्रिकालीन प्रवास होना और प्रातःकाल की मंगल बेला में आप लोगों को गुरु का आशीर्वाद मिलना, मतलब आपके दिवस का तो मंगल है ही, लेकिन भविष्य की उज्ज्वलता का भी प्रतीक है। देखो, सवेरे सवेरे से लोग उठते हैं, रात तक अपना जीवन चाहे जॉब में चाहे बिजनेस में बिताते हैं, और एक बात नोटिस की गई कि सवेरे जब लोग उठते हैं तो बहुत सारे लोगों को बेड टी लेने की आदत पड़ जाती है, और उसके बिना वे उठ तक नहीं पाते, और बेड टी के साथ पेपर पढ़ते हैं, ये जनरल परंपरा है। लेकिन मेरा एक कहना है आप सब लोगों से कम आप सवेरे जब चाय पिए तो उसके साथ अखबार ना पढ़ें, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। यानी हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि जब माताएं बच्चों को दूध पिलाती थीं तो उसके साथ ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, कोई स्तुति, कोई पाठ, बल्कि जैन धर्म में तो भक्तामर पढ़ने की बहुत स्वस्थ परंपरा रही है, जिससे उस दूध के घूट के साथ में भगवान के नाम का स्मरण जाता है, तो बच्चे का मन भी पवित्र स्वस्थ होता है।
और स्वयं का भी प्रातः काल से मन जब पवित्र होता है तो पूरा दिवस मंगलमय व्यतीत होता है। और मंगलमय व्यतीत होने का मतलब यह है कि घर के अंदर धन धान्य की वृद्धि होना, परिवार में पारस्परिक प्रेम का होना और शारीरिक स्वस्थता को प्राप्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी संपत्ति होती है। शरीर के अंदर हमारे ऋषियों ने बताया कि 5,68,99,584 रोग होते हैं, समझे, नोट करना, 5,68,99,584 रोग होते हैं, संभावना रहती है। और ये सारे के सारे रोग जब जीव नरक में जाता है तो सब एकदम उभर करके आ जाते हैं, और उस समय उस प्राणी को अहर्निश एक क्षण के लिए भी सुख की अनुभूति नहीं, हर क्षण दुखी दुख उसको मिलता रहता है। अब आप सोचिए क्या ऐसे रोगी शरीर में भी मंगल की भावना, स्वस्थता की भावना, यानी बल्कि ये कहा कि एक खाली आँख के अंदर 86 रोग आँख के अंदर पाए जाते हैं। और जरा सा किसी की आँख में एलर्जी हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है या कोई रोग हो जाता है, कितने परेशान हो जाते हैं। या समझो सिर का दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो लोग सोचते हैं मेरी बराबर तो दुखी कोई है ही नहीं। परंतु इस मनुष्य जीवन को, मनुष्य गति को इसीलिए बहुत श्रेष्ठ बताया गया कि ऐसे रोगी शरीर से भी निरोगी भगवान आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे ही अस्थिर शरीर से भी स्थिर आत्मा, जो सबके शरीर के अंदर एक आत्मा विद्यमान है जिसको कहते हैं भगवान आत्मा, और वह भगवान आत्मा जब प्राप्त हो जाता है तो पूर्ण कृतकृत्य और निरोगी हो जाता है ये जीव। आजकल जैन धर्म में अष्टान्निका पर्व चल रहा है, यानी कार्तिक शुक्ला अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक जो गंगा स्नान का मेला कल आ रहा है, ये 8 दिन अष्टान्निका कहलाते हैं। और उस अष्टान्निका पर्व में पूरे देश के अंदर सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, इनको ज्ञानमती माता ने लिखा है, बहुत बड़े बड़े विधान, यानी भगवान की भक्ति में 4-5-6 घंटे तक लोगों को तन्मय रहने की प्रेरणा इन्होंने पूजाओं के माध्यम से दिया है, जिससे कि हर व्यक्ति तन्मय होकर के भगवान के नाम का स्मरण करता है। और उसके बाद देखा जाता है कि वो अपने अंदर इतना सुकून, इतना सुख संपत्ति महसूस करते हैं कि रात दिन उनको सपने भी पूजा के आते हैं, भजन के आते हैं, गीत के संगीत के आते हैं। और वही वातावरण आजकल TMU में चल रहा है, और वो चाहते हैं हमारे सुरेश जी कुलाधिपति कि ज्ञानमती माता जी यद्यपि 2-3 बार 4 बार 5 बार पधार चुकी हैं, लेकिन आजकल वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मिल करके उसी सिद्ध चक्र की आराधना, पूजा, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। तो उसमें ज्ञानमती माता जी का जाना मतलब 4 चांद लगना, कोई गुरु पहुँच जाए, और वो इतने बड़े गुरु जो आज वर्तमान साधु जगत की सर्वोच्च और सर्व प्राचीन दीक्षित साध्वी मानी जाती हैं, ऐसी साध्वी जी का अदीप जी आपकी फैक्ट्री में आना, ये आपके लिए एक अनहोना संयोग है। अगर पिछले स्टॉपेज पे बहुत मच्छर नहीं होते तो शायद स्वामी जी आप यहाँ लाते भी नहीं, लेकिन हम पहले भी इस फैक्ट्री में ठहरे लेकिन आपका परिचय नहीं हुआ। और आपका परिचय होने के बाद ये लगा कि आप तो इस संघ के बंधु ही हैं, ज्ञानमती माता के परिवार का गोत्र गोयल, आपके परिवार का गोत्र मंगल, तो हम सब ऐसे मानव जाति के हैं। और मानव जाति में फिर आगे बढ़ते हैं तो अग्रवाल आप वैष्णव हैं, हम जैन हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी ईश्वर की उपासना करते हुए आप सब लोग भी हमेशा गुरु का सत्संग पाएं, दिवस मंगलमय बनाएं, अपना जीवन मंगलमय बनाएं, ये गुरुओं के सत्संग का सबसे बड़ा लाभ होता है। और व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि गुरु के सत्संग से कुछ क्षण के लिए सुकून महसूस होता है, अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं,
और उस समय व्यक्ति के अगर कोई शरीर में कष्ट भी है तो वो कष्ट भी जैसे लगता है पलायमान हो गया, खत्म हो गया। ये गुरु चरणों का सानिध्य होता है। इसलिए कहा गया कि जहाँ पड़े गुरु चरण वहाँ की रज चंदन बन जाती है। कल कल में भी का कल कल करती कालिंदी भी उस युग में बह जाती है। पावन पग दो पड़ने से भू पुण्य भूमि बन जाती है और निर्गम में भी पहचानी सी पग डंडी बन जाती है। तो ऐसे जहाँ पर नहीं भी जाना।